हेलो, आज देखेंगे हम लोग क्या साइंस वन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं क्या ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कौन इम्पोर्टेंट आ सकते हैं? कुछ एक्सरसाइज से देखेंगे और कुछ एक्सरसाइज के अंदर से हम लोग देखेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हम लोग एक्सरसाइज का देख लेते हैं सारा। पहले ये तो आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट कौन सा इसमें कौन सा होगा आपको? ये सेकेंड, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। ठीक है, ये याद कर लो। दूसरा, ये डेफिनेशन सारे आ जाएंगे आपको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कैपलर्स लॉ आएगा। नहीं है तो इसमें कैपलर्स लॉ कर लो। और ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ वन ज़्यादा वन। ओके, फोर्थ वन। और इसमें एक क्वेश्चन क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? द वेरिएशन ऑफ जी कौन इसमें नहीं दिया है। द वेरिएशन जी ऑन द इक्वेटर एल्टीट्यूड एंड डेप्थ पे, ये भी क्वेश्चन आएंगे। और इसका एक ये कर लो, ये भी सब ये। इफ़ द वैल्यू सडनली बिकम ट्वाइस टू टाइम्स तो डिफिकल्ट कौन सा है? ठीक है, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दिस वन थर्ड वन आ सकता है। और एक कैपलर्स लॉ, न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा फर्स्ट वन आएगा, ज़्यादा करके आते हैं फर्स्ट। और ये जी वाला क्वेश्चन आ सकता है जी। और एक ई ई नंबर क्वेश्चन आएंगे, ये ए बॉल फॉलो द टेबल रीचेज द ग्राउंड एज जो मैं दिस वन। एक्सरसाइज के अंदर भी अगर देखेंगे तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ जी आते हैं हमको कभी। और सारा का यूनिट्स करके आया ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट क्या होगा? उसका वैल्यू 6.673 न्यूटन टू 11 एन एम स्क्वायर के जी माइनस टू। ठीक है, एक ये भी आता है ये न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा करके। अभी देखते हैं हम लोग सेकेंड वन क्वेश्चन। ठीक है, पीरियडिक टेबल, पीरियड एक से बीस तक का, तो आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए एलिमेंट्स का नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। और इसके डेवोनाइट ट्रायड कभी 1817 में आया था, इसका सारे का ईयर्स आ जाएंगे इसमें। और इसमें ये पूछे जाएंगे कौन कौन सा ट्रायड था, कोई एक पूछ देगा वो लाए ने एक। और ये कस्बा सी ए एस आर बी ए और ये सी बी आई। ओके, ऐसे याद कर लो ट्रिक के साथ। और नेक्स्ट हमारा न्यूलैंड का भी आया था 1866 में आया था, ये याद कर लो। ये किसके भी आप पे था, तो ये हमारा एक ये वेस्टर्न था और ये हमारा। और इसको बोलते थे सब तक बोलते थे, क्या बोलते थे ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। इसके कुछ लिमिटेशन थे, लिमिटेशन आ सकते हैं एक दो।
मैं सबसे मेन क्या मेंडली कहाँ का साइंटिस्ट था, और ये 1869 में क्या था, इसके समय कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे, ठीक है। ये पर इसने सबसे अरेंज किया था एलिमेंट्स को किसके भी आप पे, एटॉमिक मास के भी आप पे किया था, 63 एलिमेंट थे इसके पास, और इसने बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ा था, इका बोर्ड, इका सिलिकन, ठीक है, तो उसका भी आता है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव। इका बोर्ड के आगे आगे जाके नाम क्या पड़ा, इका सिलिकन क्या नाम पड़ा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दिए आपको करके जाओ। कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, यहाँ देखो ये है ना, ये इम्पोर्टेंट, इका बोरोन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन, जो आगे चल के नाम क्या पड़ा उसका, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ओके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स के अंदर से आता है आपको। नेक्स्ट वन अगर हम देखेंगे तो इस जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते आपको, हाँ, मेंडलिप ने ही क्या था, क्या जीरो क्रिएटेड द जीरो ग्रुप्स विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियडिक टेबल, नोवल गैस वर फिटेड बाय वेरी वेल, नोवल गैस जो फिट किए गए थे, जैसे हमारे पास है हीना के जेरोक्स रंगीन वाला, ठीक है, वो हम लोग देख सकते हैं। मेंडलिप ने ही जीरो ग्रुप को आइडेंटिफाई कराया था, और ये भी क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, Cl 35 37, इसका डिमेट्स मेंडलिप का, तो वही सेम उसने, ये भी आ जाएगा आपको, जब ये आइसोटॉप्स आए तो इसके बहुत सारे पोस्टुलेट गलत होना स्टार्ट हो गए, तो इस पेज में तो ज़्यादा ये आ सकते हैं। हेलोजन ग्रुप का क्या, हेलोजन का ग्रुप नंबर 7 है, इसमें क्या H2Cl2 वाले जितने भी टर्म्स है, F2 वाले सब इस्टेब्लिश करते हैं या सस्टेन करते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू मेंडलिप। अभी मेन आपको मॉडर्न पीरियड, इसमें क्या है, 1930 में स्टार्ट हुआ, किसने दिया था, हेनरी मोस्ले दिया, शॉर्टकट, अब सारे रिलेशन को मैं कर दे रहा ब्रीफ, ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव्स, ठीक है, जैसे एक्सरसाइज आएगा तो उसमें हम इम्पोर्टेंट लगा देंगे इसके अंदर से भी। और इसने जो एलिमेंट को अरेंज किया था सारा एटॉमिक नंबर पे, क्या था एटॉमिक नंबर को, यहाँ पे हम लोग जेड नाम करते, क्या जेड, इसने ये सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट टर्म दिया था, क्या जेड से नोटिफाई करते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये भी आते हैं। ठीक है, और देखो इसके मोनेटे के 5 आपको मेड्स याद करना है, तो पहला मेड्स याद क्या कर लेंगे हम लोग, इसने मोस्टली अरेंज एलिमेंट है जिन्हें एटॉमिक नंबर बेसिस, यहाँ पे द मोनेट पीरियड इज कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसका एक पॉइंट बोल सकते, मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द मेंडलिप पीरियड टेबल अपीयर्स टू बी रिमूव्ड थ्रू मॉडर्न पीरियड टेबल, ओके। और इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए, ये इम्पोर्टेंट है, 7 हॉरिजॉन्टल रो, ये भी क्वेश्चन पूछता है, कॉल द पीरियड, ठीक है, 1 to 7, और द 18 क्या है, वर्टिकल कॉलम्स है 1 to 18 द एरे, ओके, यहाँ पे ये सार दिए, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज होते हैं। और 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हेनरी मोस्ले मॉडर्न पीरियड टेबल में, जो दिखाया गया है, और इंटायर पीरियड टेबल क्या सस्ते एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इसमें भी कितने ब्लॉक में बांटे गए, 4 ब्लॉक में,
और एक इम्पॉर्टेंट ये डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ ये याद कर लेना, लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन, ठीक है, उसको मेटल कहते हैं, और तो ऑल द नॉन मेटल लाइन द राइट साइड में, ये भी क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबका लिखना आना चाहिए आपको, नया तो मैं डिटेल वीडियो देख लेंगे, अभी आ गया तुम्हें ये पीरियोडिक टेबल्स देख लेने का आपको बराबर से। ये डॉटेड स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं आपको, 2881, ये सारे सब के एल एम एस एल को तो पता है, टू ये आता है 2n² फॉर्मूला, ओके, 2n² का फॉर्मूला। अभी मेटल नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक कर लो, मेटल क्या होता है, सोनरस, डक्टाइल, कंडक्टर होता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सारे हाई होते हैं। और यहाँ ये तीनों, इसके तीनों कैरेक्टरिस्टिक क्या कर रहा आएगा, ग्रेडेशन हाँ, और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट से बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है, वो भी आएंगे इम्पोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स। ये लिक्विड, ये गैस, अभी अभी एक्सरसाइज, ओके, तो ये एक मैचिंग करने के लिए आता है आपको, फिलर जितने भी है कर लो फिलर, ये इम्पोर्टेंट है ये पूछा, मॉलिक्यूलर एक्सरे का एक्सएल, तो इसका आएगा सी नंबर, ओके, करके जाओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ्स 2 के भी हमने डाल दिए हैं आपको, देखो मैथ 1 वाले में सारे आए थे, ये वाला दिस वन ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड वंस, उसके बिहाफ पे ही 4 क्वेश्चन है। और ये फोर्थ नंबर का ये टोटल कॉन्सेप्ट के साथ जान लो पूरा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रेज होते हैं एस तक, और इसमें तो ज़्यादा नहीं है, ये कर लो 8 नंबर का, ठीक है। मेंडलीव का पीरियड टेबल्स सारे का प्रॉपर्टी याद करो, मेंडलीव, मोसले, बस इस। अभी हम लोग देखेंगे थर्ड केमिकल रिएक्शन, देखो जितने फॉर्मूला है इसके अंदर, लाइक सारे को आप मगअप कर लो, उसमें से 2 या 3 नंबर आते हैं, 2 नंबर का तो आता ही CuSO4, कॉपर सल्फेट, ZnO, जिंक, K2S, पोटासियम डाइक्रोमेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट, इस तरह सारे फिल्टर करके आप लिखो एक कॉपी में और लर्न करने, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस ऑल द थिंग्स आर ट्राई टू लर्न, ओके, आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे वो आता है, तो ये केमिकल डेफिनेशन क्या होता है, ये हमारे एक रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट साइड है, ये सारे 5 प्रॉपर्टीज है, हम एस से नोटिफाई करते हैं सॉलिड, AQ से एक्वस, ई से गैस, ये सारे 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। डेफिनेशन लिख देना है यहाँ पे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कंडेंस यूजिंग फार्मूला, दैट इज कॉल्ड
ZnSO4 क्या होता है, जिंक सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये यहाँ पर राइटिंग एक केमिकल, इसके 5 पॉइंट्स लर्न कर लेने का। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 मोड, दे लिंक प्लस साइन से, इसमें क्या एरो राइट हैंड साइड में अपन क्या प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है, 2 पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट ये, फोर्थ पॉइंट हम लोग फिजिकल इसे दिखाते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, और ये जो रहेगा डेल्टा का साइन वो हीट को रिप्रेजेंट करेगा। ये 5 प्रॉपर्टीज आपको लर्न कर लेंगे। अभी हमारे आगे ये सब नहीं आता है ज़्यादा, बैलेंस करने के लिए है 5, तो उसमें से कर लो, गारंटी वो आएंगे सब, वो आगे चल के बताता है। तो शायद आपको टाइप्स ऑफ कितने रिएक्शन थे ये सारा लर्न कर लो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, और एक एक करने का एग्जांपल फिट करके रख लो। तो इसमें तो अभी ज़्यादा नहीं, हाँ एक ये आएगा फैक्टर इफेक्ट इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके 5 फैक्टर याद कर लो उसको। अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक पार्ट ज़्यादा तो नहीं आता, एक कोरोजन आते हैं, ओके डिफाइन करने के लिए कर लो, और एंसिडिटी, ठीक है। अब फिलर अभी इसी सारा कर लोगे, ये 4 डेफिनेशन ने बता ही दिया है, डेफिनेशन तो करना ही आपको। इसमें आपको ये डी नंबर आ सकते हैं, डी एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिएक्शन पूरा हुआ, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे सब। और एक ये आ सकता है 5th नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, देख इसी में बैलेंसिंग के लिए आपको ये दोनों, ये तीनों करके ही जाना आपको 6, 7, 8, ओके इम्पोर्टेंट है। और ये मैचिंग करने का, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है ऑलवेज, 6, 7, 8 है, ठीक है। अभी चैप्टर नंबर 4 कौन सा, करंट का देखेंगे, जैसे एक्सरसाइज मूव करते जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है, ये तीनों का प्रॉपर्टी याद कर लो, हीटिंग इफेक्ट सारा टंग, इसमें कौन सा वायर यूज होता है, ये फिगर भी एक बार कर लो, फिगर आते हैं इसमें से बहुत सारा। न्यूमेरिकल्स जितने हैं बुक्स के अंदर भी वो भी करना है, ओके, और बुक्स में एग्जांपल्स का ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक न्यूमेरिकल के लिए लेक्चर लगा देंगे। हाँ ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थंब रूल तो आता ही आता है, ये आप फिगर भी देख के जाओ, उसमें से एक क्वेश्चन आने का गारंटी आएगा, एक सोलेनोइड का आ जाएगा तुम्हें, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर लिख लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। ये थंब रूल है लेफ्ट हैंड राइट का, इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका प्रिंसिपल, पूरे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग वन में आएंगे, गैल्वेनोमीटर कम आता है, फिगर फिगर चारों का देखने का एक आता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर आगे ये फिगर करने का आपको, बस ये ऑड मैन आउट आएगा, ऑड वन आउट, डेफिनेशन लिखो, ये दो ये डायग्राम के साथ बनाना है पूरा, एक्सप्लेन द एसी एंड जीसी जनरेटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। अभी ये साइंटिफिक रीजन एक कर लेने का पूरा आते हैं, इसमें से भी इम्पोर्टेंट कौन सा टंगस्टन वाला ज़्यादा आता है एंड डी नंबर ज़्यादा आता है, और ये
क्या है अभी देखो, स्टेटमेंट देना है ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप कर लो, बाकी तो कुछ क्वेश्चन रह गए नहीं। न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा सारा, इम्पोर्टेंट है, उसमें से भी एक न्यूमेरिकल कौन आएगा, डी नंबर ज़्यादा आता है, डी नंबर, डी और बी। ओके ये अच्छे से करके। अभी हीट, हीट में पहला डिफरेंस ये वाला आ जाएगा, ये डेफिनेशन लिखने के लिए, सॉलिड से लिक्विड गया तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, और लिक्विड से गैस बन गया तो वेपराइजेशन हो गया। सिंपल डेफिनेशन है, द प्रोसेस फ्रॉम विच द लिक्विड कन्वर्ट टू गैसेज दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन, और सॉलिड से लिक्विड आया तो क्या हो गया, हीट ऑफ फ्यूजन। सो सिंपल डेफिनेशन भी है। ये आता है रिलीगेशंस, इसके एग्जाम्पल प्लस फिगर बनाना ही है। ये एक होप एपरेटस से ये आया था फिगर बनाने के लिए, स्केचिंग कर देने का, ड्यू पॉइंट सब कम ही आते हैं। हीट एक्सचेंज के बारे में आया, कैसे हीट एक्सचेंज होते हैं आपको, न्यूमेरिकल्स है अच्छे से सुनने का, ये फीलर आ जाएगा, गे करके एयरपोर्ट, ये फर्स्ट वाला आएगा इम्पोर्टेंट, सेकेंड भी आते हैं इम्पोर्टेंट है, साइंटिफिक रीजन ये सारा आपको इस साइड छोटे छोटे आंसर है कर लूँ न्यूमेरिकल से भी, ठीक है। हाँ ये एक पैसेज कर लेना इम्पोर्टेंट है, पैसेज ये नहीं क्या चलेगा, पैसेज में से आएगा। अभी ये हमारे पास लाइट, लाइट में इसका एक फिगर आता है, रिफ्रैक्शन बनाओ क्या है, स्नेल्स लॉ के थ्रू, दो कुछ पूछते हुआ ट्विंकलिंग द स्टार, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, ये छोटे छोटे डिफरेंस है, पार्शियल ये वाला इंपॉर्टेंट है, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लो, और आपको सॉल्व जितने एग्जांपल है कर लो। देखो ये करके जाओ, क्यों देखो इम्पोर्टेंट है बहुत। अब एक लेंस, लेंस में लॉन्ग साइड रेज शॉर्ट साइड करके जाओ, और इसके इस चार डेफिनेशंस, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कैसे ठीक करते हैं, रेमेडीज वगैरह सब, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएंगे गारंटी, वो भी लिख लो। ये फोकस बताया भाई, ये पूरा अच्छे से कर लो चार्ट डायग्राम, और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का ऑब्जेक्टिव आता है, अडैप्टर होता है, पावर लेंस दैट इज कॉल्ड अडैप्टर, बस बस ह्यूमन आई बनाने के लिए आ जाएगा, पिक्चर बना लेगा नियर, ये तार हो जाएगा आपको बता ही दिया, और ये चार टेलीस्कोप में से एक टेलीस्कोप आएगा, और ज़्यादा चांसेस क्या, कंपाउंड ज़्यादा आता है। ओके अभी ये ऑब्जेक्टिव है मैचिंग, तो वह हो जाएगा आपको। अभी ये रीजन गिव रीजन तो कर लेने का आपको, और ये हमारा न्यूमेरिकल से चार करो। अभी एक मेटलर्जी, इसमें इसको एक इतने सारे प्रोसेस है, एक प्रोसेस आएगा आएगा तो ज़्यादा चांसेस, जैसे कोई फिल्टर है आईडी का पावर को वेब क्या होते कर रहा है आपको, अभी थोड़ा नींद भी आ रही है अब। ओके ये ख़त्म हो जाएगा आपका सिस्टम, 3 बजने को है।
सुबह के हाँ इसके सजने एक पिक्चर है, सारा पिक्चर कर लो, पहला इम्पोर्टेंट काम है। ओके आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये कर लो, राइट द नेम, ये इम्पोर्टेंट, ये छोटा क्वेश्चन में आया है, ये करो, ये टर्म्स, और ये ब्लू ये वाला, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर। ये नीट डायग्राम बना दो, वो लेमन वाटर यूज को क्लीन को क्यों, ये सब कर लो। मेन अभी कार्बन कंपाउंड्स, ओके इसमें ज़्यादा मत कुछ दिमाग, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए, काम हो जाएगा। थोड़े लेंथी है और ज़्यादा, ये लुईस डॉट इस तरह से सब पूछ डालेंगे वो। कार्बन का प्रॉपर्टीज क्या है ये कर लो पूरा, कार्बन का प्रॉपर्टी 5 बॉलनेस्टिक मॉडल सब बताओ कैसा होता है, पिक्चर इम्पोर्टेंट है आने वाला। हार्डवेयर ने बता ही दिया है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड करने का पिक्चर बना दिया, ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कर लेने का, ये आता है स्ट्रेट चेन कैसे ब्रांच चेन सिखाया हुआ है, सीख लो ये हमारा करके, क्योंकि एक्सरसाइज की कोशिश जो अगर नहीं आता कमेंट सेक्शन में लिख दो, वो हम सिखा देंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर वगैरह, फिर से जिसे नहीं आता है ये सब फॉर्मूला याद करके जाओ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, ऑक्सीडेशन, अभी रिएक्शन क्या है 4, ये डेफिनेशन करके आपको एग्जांपल सेटअप करना है, करेगा आपको ये कुछ का केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे बनाए जाते हैं लैब में, वो तैयार करना है। हाँ अभी ये सब देखो, ये 5 नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, ओके इतने ऑब्जेक्टिव्स है इसके, ये डेफिनेशंस ऑब्जेक्टिव्स करके लो, इसमें से मोन क्या है ना, जी नंबर इम्पोर्टेंट है, जी आ सकता है तुमको, फंक्शनल ग्रुप तो कह रहा है, 3 पॉलीमर्स आते ई नंबर आएंगे, एक बी और सी बस, ठीक है कर लो हो जाएगा, बी देख समझा क्या, एक बी सी और ई एंड द लास्ट जी, ये 4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सारे तो बहुत इम्पोर्टेंट मेरे, ठीक है ये सब कर लो। अभी लास्ट लास्ट में हमारा सेटेलाइट, तो ये सारा डेफ ये याद कर लो पूरा, आते हैं इसमें से आएगा पूरा चार्ट, कौन क्या करे ये याद कर लो, 1 नंबर का बस हो गया, आपको सारा बताया इम्पोर्टेंट, अभी अच्छे से देना ओके, और ये पिक्चर आ जाएंगे अभी, ये सेटेलाइट का पूरा बना दे, ये आता है फिगर ड्रॉ देख लो, बस में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, पिलर कर लो, ये चौक ब्लैंक बनाओ, ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो का भी दो ज़्यादा है। ओके गाइस टिल द रेस्ट, ये सारा अभी साइंस वन का कर दिया है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कल तो पेपर मैथ 2 का भी डाला हुआ है, आप देख लो और ही करो, ओके थैंक, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और कुछ ख़राब है तो आपको कमेंट में दो लिख के, ठीक है, थैंक यू सो मच।